जनसंख्या जी, इस समय जो विभिन्न वर्गों की जनसंख्या है, क्या इसमें हिस्सेदारी का क्या है वो बताएं जरा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आरक्षण से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई, जब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया, तो उनको भी जरूरत पड़ी थी कि इनकी जनसंख्या कितनी है अन्य पिछड़े वर्गों की, और इनका सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्तर क्या है। तो उसके लिए डिटेल सर्वेक्षण हमारे पास नहीं था। तो जो 1931 में जो अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय पूरे देश भर में जातियों के ऊपर आधारित सर्वेक्षण हुआ था, जिसको सेंसस कहते हैं। उस सेंसस की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने उसके आधार पे उसको कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, और उसके आधार पे ये माना गया कि इस समय जो ओबीसी वर्ग हैं उनकी आबादी देश में 52% है। तो सवाल ये उठता है कि अभी उसके बाद में 1931 के बाद में बंटवारा भी हो गया देश का, पाकिस्तान बन गया, तो कुछ लोग उधर भी चले गए, तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें ये जो आबादी है, उसमें जो हिंदू आबादी है वो तो है ही, इसके अलावा जो मुस्लिम आबादी है वो बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग में उनकी जातियां भी शामिल हैं, और जो क्रिश्चियन आबादी है उसकी जनसंख्या भी उसमें शामिल है, इसके अलावा सिख भी उसमें शामिल हैं, तो विभिन्न धर्मों के लोग भी इसके अंदर ओबीसी वर्ग में शामिल हैं। ये खाली मतलब हिंदू धर्म के लोग ही इसमें नहीं हैं, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे वो उसमें कन्वर्ट होकर के जब जाते हैं तो वो ओबीसी बन जाते हैं, चूंकि उनके यहाँ कोई भी अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के नाम से कोई अनुसूचित नहीं है। और इसी तरह से मुस्लिम वर्ग में भी कोई अनुसूचित जाति नहीं है, उसमें जो भी अनुसूचित जाति के लोग कन्वर्ट होकर के जो मुसलमान बने हैं वो सभी ओबीसी में शामिल किए जाते हैं। इसलिए अभी जो अभी आपने सवाल पूछा है कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है इनकी विभिन्न वर्गों की जनसंख्या में, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं समझता हूँ बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की इनका जो सेंसस होता है हर 10 साल में, उनकी गणना तो की जाती है जाति की, उनका सामाजिक आर्थिक स्टेटस भी जाना जाता है कि उनका एजुकेशन में उन्होंने कितना विकास किया है, उनकी गरीबी कितनी हद तक दूर हुई है, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई में क्या तरक्की की है, नौकरियों में उनका शेयर कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें उसमें मतलब जानी जाती हैं। लेकिन जहाँ तक इनका ओबीसी का सवाल है या दूसरी सवर्ण जातियों का सवाल है, तो इसका कोई ऐसी जनगणना में कोई कॉलम नहीं है जिसकी इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन 2011 में जब डिमांड की गई थी, और यूपीए सरकार जो UP 2 थी उसने ये पास किया था कि ये जो 2011 में सेंसस होगा उसके अलावा मतलब एक अलग से सेंसस किया गया जो जाति गणना को करेगा, तो पूरे देश में जाति गणना की गई, उसमें 1000 करोड़ रुपए मतलब खर्च हुए, और उससे जनगणना का रिजल्ट भी हमारे पास आ गया है, वो प्लानिंग कमीशन में जिसको नीति आयोग बोलते हैं इस समय उसमें पड़ा हुआ है, और ये राजनीतिक पार्टियां जिसमें लालू प्रसाद जी की पार्टी है, मुलायम सिंह जी की है, मायावती जी की पार्टी है, इन सब ने ये डिमांड करी थी कि इसको जो है जारी किया जाए, संसद के पटल पर रखा जाए कि वो डेटा क्या है, कितने क्या क्या लोगों का उसमें स्टेटस है। उसमें खाली ओबीसी का ही नहीं है, उसमें जो सवर्ण जातियां हैं उनका सर्वे भी उनके पास में पड़ा हुआ है। लेकिन ये बड़ी विडम्बना की बात है कि उस रिपोर्ट को जारी किए बिना ये सवर्ण वर्ग के लिए ये जो आरक्षण दिया है जिसका कोई आधार नहीं है, इनके पास में उपलब्ध आंकड़ा नहीं है, तो ये कैसे मतलब ये इसको लागू किया जा सकता है, ये एक सोचने की बात है, चिंता की बात है। और वैसे जो हमारे पास कैलकुलेशन है, जो हमने कैलकुलेशन किया है, तो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। उसका सीधा तरीका ये है कि आपके पास में अनुसूचित जाति का आंकड़ा मौजूद है, आपके पास अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा मौजूद है, और इनकी जनसंख्या जो 16.63% शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या है, तो इनके इनको भी पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा है, इनको अभी 15% आरक्षण मिल रहा है शेड्यूल कास्ट को, लेकिन उनकी वास्तव में 2011 में जो जनगणना है वो 16.63% है जी। तो इनको 1.3% आरक्षण और मिलना चाहिए। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब की जो गणना है की गई है
उसमें उनकी आबादी इस समय 8.63% है, जबकि उनको वास्तव में जो आरक्षण मिल रहा है 7.5% आरक्षण मिल रहा है। तो इनके लिए भी और आरक्षण मिलना चाहिए, इनका कम है आरक्षण अभी जो मिल रहा है, क्योंकि इनको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा था इसमें आरक्षण के इतिहास में, तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि 119 सीटें रिजर्व होती थी पहले देश के अंदर लोकसभा की, तो 2001 की जनगणना को आधार मान करके और 2002 में यहाँ पर परसीमन हुआ लोकसभा का। लोकसभा की जो परसीमन हुआ तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी इस समय जो देश में लोकसभा की सीटें हैं वो 131 सीटें हो गई हैं, यानी उनका जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको उनकी जनसंख्या के अनुपात में 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ा दिया गया। लेकिन जो सोशल रिजर्वेशन है, जो नौकरियों में रिजर्वेशन है, इस क्लास का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, उसको अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। तो अभी तो यह समस्या चल रही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है उसको अभी बढ़ाया नहीं गया है, और मैं समझता हूँ इसको कोई भी संगठन देश में और कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इसके ऊपर आवाज़ अभी तक नहीं उठाई है। ये एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए और इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण भी बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि जो मंडल कमीशन की 1931 की जो जनगणना थी उसके आधार पर जो उनका वो आबादी थी वो 52% निर्धारित की गई थी, उनका कोटा भले ही 27% मिल रहा है लेकिन उनको उसमें जो नए क्लास हैं, नई जातियां हैं वो जुड़ने की उसमें पहल कर रही हैं, जिसमें जाट हैं उनको 1998 में राजस्थान में मिल भी चुका है, उत्तर प्रदेश में मिल चुका है, कुछ स्टेट में वो बैकवर्ड क्लास में आती हैं, कुछ स्टेट में बैकवर्ड नहीं आती, जैसे हरियाणा में उनको नहीं दिया जाता बैकवर्ड क्लास में, दूसरे स्टेट में उनको दिया जाता है, इसी तरह से पाटीदार को मध्य प्रदेश में दिया जाता है और पटेल को मतलब जो है गुजरात में नहीं दिया जा रहा आरक्षण, इसी तरह से कुर्मी के लिए उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन दिया जाता है लेकिन कुर्मी मराठा के लिए महाराष्ट्र में नहीं दिया जाता है, इसी तरह से कापू जो हैं वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर वो भी बैकवर्ड क्लास में शूद्र जातियों के हैं अंग हैं, वो भी आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। तो हम जो चाहते हैं कि उनको अगर जोड़ते हैं तो इस समय जो 52% की जगह उनकी आबादी सीधे सीधे 60% के करीब हो जाती है, तो 60% जो आबादी है वो इनकी ओबीसी की हो जाती है। और अगर उसमें देखा जाए खासतौर से ये जो उसमें ये क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम और सिख और ईसाई ये सभी शामिल हैं ओबीसी में, तब ये इनकी इतनी आबादी होती है। अगर इनको अलग अलग करते हैं तो ओबीसी जो हिंदू ओबीसी हैं उनकी आबादी लगभग 43.92% होती है जी। और जो हिंदू शेड्यूल कास्ट हैं उनकी आबादी 16.63% है, चूँकि ये सारे के सारे उसी में ही आते हैं, उन्हीं को माना गया है। और हिंदू एसटी हैं उनकी आबादी भी 8.63% है, लेकिन जो सवर्ण जिनको बोला जाता है, सवर्ण का मतलब होता है कि जिनको जिनके जो वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू मैथोलॉजी में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण बनाए गए हैं, इसके अलावा जो भी हैं वो सबको शूद्र माना जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा जो भी जातियाँ हैं, चाहे भले ही वो अपने को जो भी कहती हैं लेकिन उनको सबको शूद्र माना गया है, तो इसलिए इसकी जो आबादी है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये हिंदू हैं तीनों के तीनों, और हिंदुओं में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होते हैं, दूसरे किसी धर्म में नहीं होते हैं, और इनकी आबादी इस समय देश के अंदर 10.61% है, 10.61%। दूसरा जो टोटल हिंदू की अगर आप आबादी देखेंगे सेंसस के अंदर, तो रिलीजियस मतलब सर्वे होता है सेंसस में, तो हिंदू का टोटल आबादी देखेंगे तो 79.70% है, 79.7% हिंदू आबादी है, जिसमें ओबीसी के लोग शामिल हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल हैं, जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं। अगर इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को निकाल दिया जाए और ओबीसी को निकाल दिया जाए तो जो हिंदू सवर्ण लोग हैं उनकी आबादी 10.6% 10.5% के करीब मिल जाती है। तो 10.5% जो आबादी मिलती है उसके लिए आपने जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दे दिया, तो 0.6% लोग ही बचे हैं जो मतलब अमीर लोग हैं, बाकी 10% सारे के सारे गरीब लोग, 100% रिजर्वेशन दे दिया। और दूसरी तरफ
जो ओबीसी के लोग हैं उनकी आबादी 60% है, उनको 27 दे रहे हो। तो सबसे ज्यादा अन्याय इस देश के अंदर इस समय जो हो रहा है वो ओबीसी समाज के साथ में हो रहा है। इस बात के लिए ओबीसी को जरूर समझना पड़ेगा, और आने वाले समय में अगर ये सवर्णों को आरक्षण मिलता है तो ओबीसी का आंदोलन बहुत तीव्र गति से चलेगा, और एससी एसटी और ओबीसी जो वर्ग है वो ऑर्गेनाइज हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और राजनीतिक रूप से भी इकट्ठा हो सकता है। और सवर्णों की जो आबादी है, जो अब तक कोई जानता नहीं था कि 10% है, इसके खिलाफ मतलब जो दूसरे लोग हैं वो एकजुट हो सकते हैं। और एक आने वाली सरकार के लिए, मोदी जी तो चले जाएंगे इसको करके, लेकिन आने वाली जो सरकार होगी उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, और इस समस्या को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो आबादी है उसको हमें समझना चाहिए। मैं थोड़ा सा रिलीजियस आबादी बता देता हूँ आपको, जो चूँकि जो मुस्लिम समुदाय भी आरक्षण की मांग करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, लेकिन ये देश में संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। अगर आरक्षण मिल सकता है संविधान के मुताबिक तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं उनके लिए मिल सकता है। और मुस्लिम की आबादी अगर टोटल आबादी देखी जाए इस समय देश में तो 14.23% है, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ तो 20% आबादी है मुस्लिम समाज की। क्रिश्चियन की आबादी 2.3% है, इसमें से 70% आबादी जो अकेले दलित क्रिश्चियन की है। इसी तरह से सिख 1.7% है, बुद्धिस्ट की आबादी 0.7% है, जैन लोग हैं 0.3% है, और अदर्स जो दूसरे नास्तिक वगैरह ये लोग हैं जो कोई धर्म नहीं मानते हैं उनकी आबादी भी 0.9% है। इस तरह से 20.20% जो है ये गैर हिंदू लोग भारत में रहते हैं, और बाकी इस तरह से मैंने ये आपको जो ब्रेकअप है इसका जनसंख्या का जो 2011 और 1931 की जनगणना को आधार पर कैलकुलेट करके बनाया है ये हमने दिया, और इसके आधार पर मतलब हमारा संगठन है राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, वो इस आधार पर ये सरकार से डिमांड करता रहा है, मोदी सरकार को भी लिख करके भी दिया है कि आप जो है ये अगर इसकी समस्या को हल करना चाहते हैं तो सभी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे देना चाहिए, ये इसका समाधान है।